मोहन यादव सीएम बने और जीतू पटवारी यहाँ पर अध्यक्ष बने, तब से वो लगातार शिवराज का यहाँ समर्थन कर रहे हैं कि शिवराज से मेहनत तो करवा दी लेकिन फल देने की जब बारी आई तो शिवराज को दरकिनार कर दिया, और यही बात लगातार जीतू पटवारी भी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान को हर बार की तरह इस बार भी साइड किया जा रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई बड़े हमले शिवराज सिंह चौहान पर दागे जा रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने यह ठाना है कि मध्य प्रदेश से उन्हें कोई हटा नहीं सकता। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा यहां पर देखा गया कि सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि यहां पर जब विधानसभा चुनाव हुआ था और चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ना बोलते हुए भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आई। उसके बाद ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया जाता है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कई ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं जो सीधे तौर पर उनका दर्द झलकता है। ये दिखाई दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया है तो सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, चलिए ये बात तो यहाँ पर वो हजम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक और नया मुद्दा शिवराज सिंह चौहान को लेकर उठ रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो अब उनका सरकारी बंगला भी उनके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। वो बंगला जिस बंगले का नाम वो मामा का घर लिखवाते हुए नजर आए थे, जिस बंगले को लेकर वो दावा कर रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश की जनता को कोई भी परेशानी है वो इस बंगले में बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका हल भी निकाला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यहाँ पर एक बड़ा दावा करते हुए नजर आते हैं। उनका दावा यहाँ पर होता है कि जो शिवराज सिंह चौहान का बंगला है B9 में, जो उनका बंगला है वो बंगला उनको वापस चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी बुआ की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं और उनकी बुआ यहाँ पर एक महिला उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि यहाँ पर उनकी यादों के कारण ये बंगला उनको चाहिए। ऐसे में वो पत्र मोहन सिंह यादव को लिखते हुए नजर आते हैं। इस पत्र में लिखकर मांग की जाती है कि ये बंगला उन्हें दिया जाए। तो अब ये देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री आवास खाली कर कर शिवराज सिंह चौहान उस बंगले में गए थे, अब उसी बंगले को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो क्या जीतू पटवारी जो हर बार शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं वो क्या इस बार भी करते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी नेहा मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि नेहा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब उनके बंगले पर निशाना साधा जा रहा है, अब उनके बंगले को छीनने की कोशिश की जा रही है और पत्र यहाँ पर मुख्यमंत्री को ही लिख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बंगला हमें वापस दिलाइए। तो क्या ऐसे में जो जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी को भी चुनौतियां देते हुए नजर आए थे शिवराज सिंह चौहान के लिए, शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करने के लिए उतर आए थे, तो क्या ऐसे में अब वही यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की मदद करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाजमीन, यहाँ पर बिल्कुल ये देखा जा सकता है, क्योंकि आपने पहले भी सुना और देखा होगा कि यहाँ पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार शिवराज का समर्थन कर रहे थे। आखिरकार आप यहाँ ये सोचिए कि शिवराज या फिर कोई शिवराज अगर यहाँ पहले अध्यक्ष नहीं थे लेकिन विधायक तो थे, कभी शिवराज का समर्थन उन्होंने तब नहीं किया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मोहन यादव सीएम बने और जीतू पटवारी यहाँ पर अध्यक्ष बने, तब से वो लगातार शिवराज का यहाँ समर्थन कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनते वो नजर आए हैं। अब रही बात यहाँ पर कि कांग्रेस के एक विधायक ने शिवराज के ऊपर FIR दर्ज करने की बात कही थी मानहानि मुद्दे को लेकर, जीतू पटवारी उसमें भी कहीं ना कहीं कूदते नजर आए थे। और अब यहाँ पर बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने उस बंगले को लेने की बात कही है। उमर सिंघार का यहाँ पर ये मानना है कि उस बंगले से उनकी बुआ जी और
तमाम रिश्तेदारों की यादें यहाँ पर जुड़ी हैं, जिस वजह से वो इस बंगले को लेना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री उस बंगले को भी छोड़ देंगे तो क्या वो सड़क पर रहेंगे या फिर उनको कोई और दोबारा से बंगला आवंटित किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चीज गलत है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री एक बार अपना सामान उठाकर उस बंगले को भी, यानी कि जो मुख्यमंत्री का आवास था यहाँ पहले, उसको छोड़ते हुए भी उनका दर्द झलकता नजर आया था। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी जिस वीडियो में शिवराज रोते नजर आए थे और उनकी पत्नी भी यहाँ भावुक होते हुए नजर आई थी। जाहिर सी बात है, जब आप किसी घर में रहने लगते हैं तो उससे आपकी यादें जुड़ जाती हैं। और उमर सिंगार भी यहाँ कहीं ना कहीं यही बात कहते नजर आए। लेकिन सरकारी चीजों पर आप कभी अपना यहाँ वो कह सकते हैं कि यहाँ रोब नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी बंगला है, आज नहीं तो कल किसी और के हाथों वो जाना है। तो कहीं ना कहीं उमर सिंगार को ये सोचने की जरूरत है कि आप जिस डिमांड को यहाँ रख रहे हैं कि वो बंगला खाली करवा दीजिए, ये डिमांड आपकी गलत है, तो आपको अपना फैसला बदलना यहाँ पड़ेगा। रही बात जीतू पटवारी की, तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान को अपने पाले में लाने के लिए इस वक्त अपनी पार्टी से, मतलब पार्टी से खिलाफ भी वो उतरते नजर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जीतू पटवारी का तो जिक्र किया गया, लेकिन हम मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की चर्चा कर लें तो राजस्थान में विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ी बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करते हुए नजर आए, वसुंधरा राजे का समर्थन करते हुए नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया, वो शांत नजर आई। और शांति के बाद ये देखा गया कि क्या बगावत कर सकती हैं। इस बीच भी अटकलें यहाँ पर एक तरह से उनपे भी विराम लगता हुआ नजर आया। लेकिन जब सदन के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी आज उनको किस स्थिति में डाल रखा है कि निर्दलीय विधायकों के साथ उनको बिठाया जाता है पीछे की सीट पर, तो वही स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी बन रही है। इसलिए जीतू पटवारी भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में शिवराज सिंह चौहान कहीं जाए ना भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, इसलिए उन्हें लड्डू दिया जाता है लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियों को लेकर। तो ऐसे में अगर उन्हें दक्षिण भारत भेज दिया जाता है, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों को जीतने की कोशिश यहां पर शिवराज सिंह चौहान के जरिए की जा रही है। लेकिन क्या ये लड्डू शिवराज सिंह चौहान के लिए फायदेमंद साबित भी हो सकता है? केंद्र में क्या कोई जगह दिला सकता है या मात्र भर सिर्फ जिताने के लिए शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आपने विधानसभा चुनावों में भी देखा नाज़रीन कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान का एक तरीके से यूज ही किया गया है। आपने देखा कि उन्होंने यहाँ पर इसी विचार से प्रचार प्रसार किया, मेहनत की कि उनको ही सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि वो पहले भी सीएम रह चुके हैं, चार बार का कार्यकाल वो पहले से संभाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि शिवराज से मेहनत तो करवा दी, लेकिन फल देने की जब बारी आई तो शिवराज को दरकिनार कर दिया। और यही बात लगातार जीतू पटवारी भी कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो जीतू पटवारी यहाँ कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने शादी के लिए चेहरा शिवराज का दिखाया और शादी मोहन यादव से करा दी। बिल्कुल सही बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ फायदों के लिए शिवराज को यहाँ मेहनत पर उतारा और जब मेहनत का फल उनको मिला तो यहाँ मोहन यादव को सीएम बना दी। क्योंकि भाजपा को, पार्टी लखमान को ये डर है कि शिवराज मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा ना बन जाए, क्योंकि चार बार का कार्यकाल संभाल लेना और अब इस बार पांचवी बार का उनका कार्यकाल था। पांच बार का कार्यकाल का मतलब आप ये समझ लिए कि कम से कम 18 से 20 साल यहाँ एक राज्य में आप सत्ता अगर संभाल रहे हैं तो आप यहाँ उस राज्य को कितनी करीबी से जानते हैं और जनता को कितनी करीबी से जानते हैं, ये तो शिवराज इस वक्त खुद ही जानते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि क्या जिस बंगले को लेकर यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है, जिस बंगले को छीनने की कोशिश की जा रही है, क्या उस पत्र के जवाब में सीएम मोहन कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही उतरते हुए नजर आएंगे? क्या फिर जीतू पटवारी का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या वो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भी उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।